हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धिविनायक इंटरनेशनल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है सीरीज। अब सीरीज जैसे अलग अलग टाइप की होती है, जैसे थ्री टाइप्स की सीरीज हम पढ़ते हैं, AP, GP और HP। हम उसमें 10th में ओनली AP की ही डिस्कशन करते हैं, ओनली AP ही हमारे सिलेबस में। अब AP, GP, HP थोड़ी बेसिक जानकारी इनकी रहती है कि होता क्या है। तो AP का मतलब जैसे मान लो सीरीज चल रही है 1, 3, 5, 7, तो आप इसमें देखो क्या चल रहा है, इनमें डिफरेंस सेम चल रहा है। 2 का डिफरेंस इसमें 2 ऐड करते देखो क्या आ गया 3, फिर से 2 ऐड करते क्या आ गया 5, फिर से 2 ऐड करते क्या आ गया देखो 7। तो डिफरेंस हमेशा सेम चल रहा है, तो डिफरेंस हमेशा सेम चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस। उसके अलावा 2 टाइप की सीरीज होती है, वो आपको बस बेसिक समझ में आता है। जैसे मान लो कि चल रहा है 2, फिर जैसे चल रहा है 8, फिर जैसे चल रहा है 32, फिर आगे भी इस प्रकार से। तो इसमें क्या चल रहा है, देखो डिफरेंस फर्स्ट में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 6, फिर आगे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 24। तो डिफरेंस सेम नहीं चल रहा, डिफरेंस सेम चल रहा है इसमें AP में। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो होगी AP। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, अब डिफरेंस सेम नहीं हो तो इसमें जो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रही सीरीज। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, 8 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया 32। तो मल्टीप्लाई में सीरीज चले उसको क्या बोलेंगे हम, GP, ठीक है। तो AP समझ गए और GP समझ गए। उसके बाद में थर्ड सीरीज और होती है HP। HP का मतलब AP का ही उल्टा कर दे, जैसे इसको उल्टा करके लिखिए, जैसे 1/1, फिर 3 को उल्टा कर दिया 1/3, इसका अपोजिट कर दिया उल्टा कर दिया 1/5, इसका उल्टा कर दिया 1/7, आगे भी AP को ही उल्टा कर देते उसको क्या बोलते हैं HP। तो मैंने 3 टाइप्स की वाली सीरीज होती है, AP, GP और HP। AP एन की डिफरेंस है, GP का मतलब ओनली मल्टीप्लाई में चले, जैसे 4 से मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई चल रहा है, वो उसी से रिपीटेड होना चाहिए कि 4 से चल रहा है तो 4 से ही चल रहा चाहिए। उसके अलावा लास्ट में HP सीरीज एन की AP के ही उल्टे को क्या बोल रहे हैं, AP का उल्टा करते तो उसको बोल देंगे HP। तो हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे AP, तो AP बोलेंगे किसको, जिसमें कि डिफरेंस सेम चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आओ उसको समझते हैं। तो जैसे हमारी सीरीज थी 1, 3, 5, 7, 9 आगे, तो जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलेंगे A। तो A की वैल्यू कितनी चल रही है, हमारे क्वेश्चन में कोई ना कोई सीरीज को हमारे को देगा। दूसरा देखो, फर्स्ट है A का मतलब ये हो गया। अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो डिफरेंस को डिनोट करेंगे D से। डिफरेंस को इससे डिनोट करेंगे D से। अब डिफरेंस है आप इसका इसमें कर लो, चाहे इसका इसमें कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कि 5 का 1 में कर लो, आगे वाला माइनस उसके जस्ट पीछे वाला, पीछे से 3-1 करके देख लिया, या 5 उससे जस्ट पहले वाला 3, इनको माइनस करके देख लिया, 7-5 करके देख लिया, तो डिफरेंस हमेशा सेम चलेगा। ऐसे नहीं कि 7 में से माइनस कर लिया, यहाँ पर डिफरेंस कितना चल रहा है 3-1, ठीक है, कितना आ गया 2। आप चाहो तो 5-3, आप चाहो तो 7-5 तभी 2 रहेगा, आप चाहो तो 9-7, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंस सेम रहेगा तभी हम उसको AP बोल पाएंगे, नहीं तो अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो बोल देंगे कि, तो डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो AP होगी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, D से डिनोट करेंगे। तो आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म करते क्या मिल जाएगा हमारे को D। अब जैसे इसके अलावा जैसे मान लो कि अब इसको कई बार जैसे A1, A2, A3, A4, A5 ऐसा भी बोलते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म, A5 का मतलब फिफ्थ वाली टर्म, इस प्रकार से भी हम बोल देते हैं। अब जैसे अब देखो नेक्स्ट सीरीज हमारे जैसे 4, 7, 10, 30, तो हमारे बच्चे क्या ये AP है, इट इज AP और नोट, तो चेक करते देखो। तो फर्स्ट टर्म को तो क्या बोलेंगे कि सेट नोट करते हैं A से, तो A तो हमारा आ गया 4। अब डिफरेंस AP और ये डिफरेंस हम ऐसे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस देखो आगे वाले टर्म माइनस ये पीछे वाले टर्म, तो 7-4 कितना आ गया देखो 3, या फिर आप कर दो जैसे 10
माइनस इसके जस्ट पीछे वाला सेवन कितना आ रहा है, थ्री डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे मान लो कि 13 माइनस 8 तो कितना आ रहा है 3, तो डिफरेंस सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो डिफरेंस सेम मिल रहा है तो हम बोल देंगे यस इट इज एपी। तो बस ये रहने का फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करोगे ए से और डिफरेंस को किसे डिनोट करोगे डी से। कई बार ऐसे मिलेगा ए वन ए टू पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, ए टू का मतलब सेकेंड टर्म, ए थ्री का मतलब थर्ड टर्म, इस प्रकार से हम इन टर्म्स को डिनोट करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सीरीज जैसे मान लो कि मैं लो आपकी 3 6 9 13 आगे लेके ऐसे चल रही है। अब देखो जैसे ए फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे ए से, तो ए का मतलब तो गया 2 3, फिर आगे हम चेक करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस चेक करेंगे देखो आगे का टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो 6 - 3 मिल गया हमारे, फिर आगे देखो 9 - 6 तो मिल गया हमारे को 9 में 6 क्या रही थी, फिर आगे देखो 13 माइनस का 13 से पहले कौन आया तो कितना मिल रहा है आपको 4। अब देखो इस बार डिफरेंस सेम नहीं, पहले आ रहा था 3 उसके बाद में आ रहा था 3 वो लास्ट में क्या आ रहा था वो 4, तो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है क्या, हर जगह सेम नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोल दूंगा इट इज नॉट एपी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे कि इट इज एपी और नॉट, तो अगर डिफरेंस हमारे को चेक कर रहे हैं डिफरेंस सेम चल रहा है तो उसको एपी बोलेंगे यस एपी, और डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या बोल देंगे हम इट इज नॉट एपी। जैसे ये तो एपी है लेकिन ये एपी नहीं है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस है जो हमारे सीरीज की बात चल रही है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं किसको जिसमें डिफरेंस हमारा सेम चल। नेक्स्ट है जैसे तुम्हारा 10 8 6 4, ठीक है इस टाइप की सीरीज चल रही है, तो इस टाइप की सीरीज में देखो ए की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा आपको ए की और डी की वैल्यू पूछूं, तो ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी जो फर्स्ट टर्म हमारे उसको बोलेंगे ए, और जो डी की वैल्यू क्या होगी आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ऐसे नहीं बड़े वाले माइनस छोटे वाले टर्म ऐसे नहीं बोलेंगे, तो आगे वाली टर्म माइनस छोटे वाली टर्म, ये आपको आपको थोड़ी जानकारी होगी। तो देखो जैसे इसको बोल सकते ए वन फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को बोल सकते ए टू, थर्ड टर्म को बोल सकते ए थ्री, आगे वाले टर्म को बोल सकते ए फोर, तो मैं क्या कर लूँ ए टू माइनस ए वन, तो मैं बोला था कि आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, तो ए टू माइनस ए वन यानी 8 - 10, तो 8 - 10 की अपनी तो हो गया माइनस का 2, तो डिफरेंस कितना आ रहा माइनस 2 और चेक कर लेता है। या फिर आप बोलो जैसे 6 - 8, तो 6 - 8 का मतलब क्या हो जाएगा ए 3 माइनस उसके पहले वाला कौन है ए 2, तो ए 3 - 8 का मतलब देखो 6 - 8 इसका मतलब हो गया माइनस का 2, फिर आगे वाला और चेक करते जैसे ए 4 - का 3, तो ए 4 - का 3 मतलब 4 - का 6, तो 4 - का 6 का मतलब क्या होगा माइनस 2, तो डिफरेंस हमारा देखो हर जगह सेम चल रहा नहीं चल रहा, तो क्या बोल देंगे यस इट इज ए। तो डिफरेंस जानने का कोई जरूरी नहीं कि आपका जैसे इसमें पॉजिटिव है हो सकता है नेगेटिव हो, या कई बार जैसे रेशनल नंबर यानी जैसे अपॉन वाले नंबर से जैसे डिफरेंस चल रहा 3/2 का या 1/2 का, तो वो भी सब कुछ चल सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो डिफरेंस हमारे किस प्रकार से कैलकुलेट करना, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो अगर डिफरेंस ये वाला तो वो एक भी होगी, क्या बोलेंगे इसके लिए यस इट इज एपी। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं 3 5 7 9, अब जैसे कोई चीज चल रही, अब देखो आप चीज तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे मान लो कि इसी 10th टर्म ये इसमें आगे 10th वाले टर्म कौन से हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो आगे जैसे आपसे पूछ रहे कि 10th टर्म कौन सी है। अब 10th टर्म के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप देखो ध्यान से, तो डिफरेंस देखो कितने का चल रहा है देखो 2 का चल रहा, फिर इसमें वही 2 ऐड कर दिए डिफरेंस ऐड कर दिए क्या मिल गया देखो थर्ड वाली टर्म, फिर आगे फिर से इसमें डिफरेंस ऐड कर दिए क्या मिल गया हमारा थर्ड वाली टर्म। तो देखो जरा सीरीज हमारी एपी सीरीज कैसे बनती है, जैसे ए की वैल्यू चल रही देखो 3 और डी की वैल्यू आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो 5 - 3 करके देख लो, 7 - 5 करके देख लो, 9 - 7 करके देख लो, तो कोई सा भी आप करके देख लो कोई भी, तो डिफरेंस हमारे कितना आ गया 5 - 3 यानी कि 2 डिफरेंस आ गया। अब देखो इसमें 2 ऐड कर दिया इसमें 2 ऐड कर दिया, तो बोलते क्या इसको देखो ए वन इसको ए टू इसको ए थ्री इसको ए फोर, ए वन और ए ए की चीज चाहे आप ए लिख दो चाहे ए वन लिख दो, ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब भी फर्स्ट टर्म, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन होगा कि ए वन कहीं भी ए वन लिख रहे हैं कहीं भी, तो ए वन और ए का मतलब तो एक ही है, ए का मतलब भी फर्स्ट टर्म और ए वन का मतलब भी फर्स्ट टर्म। अब देखो जैसे कि ए वन को देखो मैं सीधा का सीधा लिख सकता हूँ, आपको थोड़ा लिखने का तरीका देखो, ए टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें ए वन पे अगर मैं ये डिफरेंस ऐड कर दूँ तो क्या आपको अगले वाला नेक्स्ट टर्म सेकेंड वाले टर्म मिल रही है, देखो ये अगर
में इसमें डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आगे मिक्स ऑर्डर मिल जाएगा। देखो a1 कितना था 3, 3 में डिफरेंस कितना था 2, तो 3 में 2 ऐड कर दे, 5 आ गया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर से आगे देखो, जैसे मान लो कि a3 कैसे, जैसे अगर मान लो कि मैं a2 में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, या फिर क्या कर दूं a1 में, ये देखो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो a2 में घुस गया, पहली बार डिफरेंस टू ऐड कर दिया तो a2 में, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया किसमें घुस गया a3 में घुस गया, देखो 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में फिर से 2 यानी डिफरेंशिएट कर दिया, पहले डिफरेंशिएट किया तो a2 में, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया किसमें a3 में, तो देखो 3 + 2 + 2 तो कितना बना 5, 7 बना कि नहीं बना, तो हम किसमें घुस गए 13 में, तो कहने का मतलब देखो ये कितना हो गया a1 + 2b। फिर आगे देखो a4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो a4 का मतलब पहली डिफरेंस, पहले तो a1 तो लिखना ही लिखना है फर्स्ट टर्म, प्लस इसमें देखो पहली बार डिवाइड करूंगा तो सेकंड वाले टर्म में पूछूंगा, दूसरी बार डिवाइड करूंगा तो थर्ड वाले टर्म में पूछूंगा, और तीसरी बार अगर मैं डिवाइड करूंगा तो फोर्थ वाले टर्म में, तो मैं पूछूंगा तो फोर्थ वाले टर्म। तो आपको क्या करते रहना, जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे, तो सिंपल भाषा में इसको समझो, जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे या डिफरेंशिएट करोगे आपको टर्म मिलती जाएगी, तो फर्स्ट टर्म में तो देखो फर्स्ट टर्म में तो कुछ ऐड करना नहीं, फिर जैसे ही देखो आगे डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेकंड वाले टर्म में घुस गया, दो बार डिफरेंशिएट किया तो कौन से टर्म में घुस गया, थर्ड वाले टर्म में, तीन बार डिफरेंशिएट किया, इधर जो पहली टर्म थी उसमें डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, तो फोर्थ वाले टर्म में कुछ भी नहीं घुस गया। तो यहाँ से जो आपका जो फॉर्मूले का पैटर्न चल रहा है कि ए प्लस जो भी टर्म आपको पूछी जाए, ऐसे नहीं कि सर इसमें ऐड कर देंगे हम तो 18 चाहिए हमारे को, 18 को ऐड टर्म चाहिए तो सर इसमें ऐड किया, 2 ऐड किया, 11 फिर आगे ऐड किया 13, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर मेथड के लिए हमारे को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो क्या करना है, जैसे a1 फर्स्ट टर्म तो सीधी की सीधी दिखी जाएगी, सेकेंड टर्म में क्या करोगे d8 कर दोगे, थर्ड टर्म में क्या करोगे 2d। तो आप बोलोगे सर हमारे को पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा, देखो जैसे थर्ड वाले टर्म है तो उसमें इससे 1 कम तो 3 है, टेबल टर्म है उसमें 2 बार डी, फोर्थ वाले टर्म है तो उसमें 3 टाइम यानी 4 से 1 कम 3 टाइम डी। तो आपको पूछिए 10th वाले टर्म, तो 10th वाले टर्म कैसे बताओगे, देखो जैसे a तो है फर्स्ट टर्म का है ही, साथ में क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 वाले टर्म थी तो 4 से 1 कम यानी 3 टाइम डी, 3 वाले टर्म थी कितने टाइम ऐड किए हमने, a तो था 2 टाइम यानी 3 से 1 कम। तो 10 वाले टर्म अगर हमारे को डायरेक्ट चाहिए फॉर्मूला भाई, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म तो है उसमें 10 से 1 कम करो तो 10 से 1 किया तो 9 हो जाएगी, तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारा होगा। तो 10th वाले टर्म के लिए देखो a का मतलब क्या था 3 प्लस 9 इनटू d, डिफरेंस का मतलब इतना चल रहा था, डिफरेंस का मतलब था 2 का, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 9 इनटू 2 क्या हो गया 20, तो ये हमारा आ गया 21 आंसर, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं करना कि 9 में 2 ऐड किया फिर उसमें 2 ऐड किया फिर उसमें 2 ऐड किया, तो पूरे मेथड वाइज हमारा कुछ होगा। तो कोई भी टर्म हमारे को यहाँ से फॉर्मूला हम सीखेंगे कि जैसे मान लो कि हमारे को n टर्म चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस इस n से एक कम, ये पे वही तो किया था हमने, 4 वाली थी a तो था ही ना, साथ में 4 से एक कम n की 3d, थर्ड वाली टर्म तो a तो है ही, साथ में n की 3 से एक कम n की 2d, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा an, अभी n वाली टर्म पूछे n का मतलब कोई भी, जैसे 7 टर्म पूछे, 50 वाली टर्म पूछे, 10 वाली टर्म तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं इसको पूछता कि 1000 टर्म बताओ, तो 1000 में ऐसे थोड़ी फिर आप उसको ऐड कर देते, तो उसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस प्रकार, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बना दिया कि a प्लस n से कम या कम, तो n से कम लिख दिया साथ में क्या लिखना बराबर होती, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कोई भी n टर्म निकालने के लिए, तो ये हमारी थी